महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई। फिरोजाबाद में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न के बाहर मामलों की सुनवाई की। उन्होंने पीड़िताओं को राहत दिलाने और प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकारियों के निर्देश दिए। जनपद फिरोजाबाद में सिविल लाइन्स स्थित PWD निरीक्षण गृह में राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुमन चतुर्वेदी ने पहुंचकर महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की। उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मिलकर पूरी गंभीरता से उनके उत्पीड़न के बारे में जानकारी प्राप्त की और समस्त मामलों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में जाँच समय से पूरी करके दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जन सुनवाई के दौरान कुल 12 मामलों की सुनवाई की गई। इस अवसर पर SO महिला थाना सरिता सेंगर ब्रह्मावती, DBPO अजय पाल सिंह, CO प्रेम प्रकाश यादव व भोलू वर्मा आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। आज डाक बंगला में आपका कार्यक्रम में इसके संबंध में है। आज डाक बंगले में महिलाओं के उत्पीड़न हिंसा के मामले में हर बुधवार, प्रथम बुधवार, तीसरे बुधवार जन सुनवाई होती है। इसी संबंध में आज जन सुनवाई है यहाँ। इस जन सुनवाई में 12 प्रकरण आए हैं, जो कुछ तो ऐसे प्रकरण हैं, मासूम जरा जरा सी लड़कियों की शादी करने के बाद छोड़ दिए गए हैं। एक नीतू यादव लड़की, जिसका ससुर भूपेंद्र यादव हाथरस में सब इंस्पेक्टर है, उसका मामला है, तो तुरंत ही ADG अजय आनंद साहब से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने SSP आगरा को निर्देशित किया है कि तत्काल परिवार की गिरफ्तारी करें। एक मामला ऐसा आया है जिसमें सगाई रिंग सेरेमनी होने के बाद और सगाई तोड़ी गई है, तो मैंने दोनों पक्षों को बुलाया है, समझौते की बात की है, लेकिन वर पक्ष मानने को तैयार नहीं है, इसलिए पुनः 18 तारीख को उसको बुलाया गया दोनों पक्षों को। इस तरह 12 जन सुनवाई आज हुई है। जैसे कुछ प्रार्थना पत्रों पर आपका अधिकारी ध्यान नहीं देते, इस संबंध में आपने ऊपर क्या कार्रवाई करने का विचार बनाया है? हाँ, SSP से निवेदन करते हैं कि भाई निचले स्तर पर पुलिस सहयोग नहीं करती है महिलाओं के मामले में, कृपया आप महिलाओं के मामले में महिलाओं का सहयोग करने का कष्ट करें। काला पता रहा। क्या नाम है आपका? सुमन गुप्ता जी। सुमन गुप्ता कहाँ से आई हो? सुहागपुर से। क्या समस्या है आपकी? ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। शादी को कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए शादी को। 10 साल बच्चे के? बच्चे पे एक 10 साल का लड़का है, एक 5 साल की लड़की है। बच्चे अपने पास रखे? बच्चा हमारे पास है। 3 महीने पहले मैं निकाला गया था, तब बच्चे दोनों चढ़ा लिए थे। अच्छा। और जब निकल गया तो फटे पुराने कपड़े में घर से बाहर निकल आए। फोन करने गए थे, हॉकी डंडे रखता है ससुराल वालों मायके वालों के लिए मारने के लिए, इससे कोई आए तो उसकी मदद ना करे। गली मोहल्ले में भी मिलने नहीं देता, बातचीत नहीं करने देता किसी से, सब लोग जैसे कोई मतलब मदद ना करे। इस संबंध में आपने शिकायत की पुलिस में? थाने में गई थी रामनगर में। पुलिस में की? 3 महीने पहले राजीनामा हुआ था। अच्छा। और फिर ले जाके उसने कोई परेशानी की, भूखा रखता था, 1-1 महीने ऊपर रखता था मैं, और अपन नीचे खाते पीते थे सब लोग, बच्चे भी नीचे रखते थे, ससुराल वाले खींच खींच के बच्चों को नीचे ले जाते थे, अगर आते नहीं थे। कहाँ है ससुराल आप? रामनगर जी। रामनगर सोजवार ससुराल रामनगर है।